Hello friends, welcome to the Tinkas. So today we are going to see this delicious recipe which is called Aloo Tikki Chaat. This is super delicious chatpata dish in Aloo Tikki Chaat fried potato patties that top with a tangy sweet tamarind chutney and with some spicy green chutney along with some yogurt. So let's see how to make this. So for this we do not need much ingredients, just the basic one. So this is flattened rice poha, जो कि आपको आसानी से कोई भी इंडियन स्टोर में मिल जाएगा. आई हैव ग्रेटेड देम एंड मेक द पाउडर. सो दिस इज बेसिकली अ पाउडर ऑफ पोहा फ्लैटेंड राइस विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ बाइंडिंग. सो नाउ वी हैव सम चाट मसाला. दिस इज 2 tablespoons ऑफ चाट मसाला. एड देम. दिस इज जिंजर गार्लिक पेस्ट अप्रॉक्स 2 tablespoons. एड देम अगेन. सो इन दिस बाउल आई हैव सम बॉइल्ड पोटैटोज एंड देन टू दैट आई एम एडिंग दिस ग्रीन चिलीज, टर्मरिक एंड सम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. तो जितना आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से आप ऐड कीजिए, पहले कम कीजिएगा. दिस इज़ आमचूर पाउडर. इट्स ऑप्शनल बिकॉज एनीवेज वी आर एडिंग चाट मसाला, सो इफ़ यू हैव इट यू ऐड इट. दिस इज़ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता कटे हुए बारीक. दिस इज़ सम राइस पाउडर. सो दैट्स वॉट आई एम गोना ऐड टू गिव द बाइंडिंग. एंड रेड चिली पाउडर. To that, I'm going to add some peas, just a little bit, approx 2 tablespoons again. So, 2 chamach takriban peas humne add kiye hain, aur yahan pe 1/2 cup onions. So, I'm not using the whole cup, just add it approximately because we do not want that onion to be dominating. Hume zyada pyaz nahi dalna hai isme. So, I'm adding a little and then mix it well. Once this is all mixed and combined well, check it by giving a little pressure that if there is any lumps or something. Now it's ready and we are going to make our patties. So for that I have actually mixed some corn flour and maida, which is again a flour, white flour and corn flour, and made a paste of it. So we are going to dip our patties in this paste first and then we'll use the poha powder for the outer crumble. So may take some on your hand, on your palm, and just give a round shape, however whatever shape you want to give, and just flatten it with little pressure. Then dip this into that mixture of corn flour and the maida. तो आप इसको हाथ में अच्छे से गोल आकार दे दीजिए. और इसका कोई टेक्निक नहीं है, ज़्यादा मोटा मत रखिएगा ताकि बीच में वो वैसे भी बॉइल्ड है पर ताकि वो अच्छा क्रिस्प आए. तो उसको आप अच्छे से डिप कर लीजिए कॉर्नफ्लावर और मैदा के इस मिक्सचर में. फिर आप इसके ऊपर ये जो हमने पोहा का पाउडर बनाया है उसको अच्छे से लगा लीजिए. एक दूसरे चम्मच से लगाइएगा ताकि वो सूखा है तो ताकि गीला ना हो जाए. इसको करने के बाद आप इसको एक जगह रखते रहिए, जितना आपको चाहिए आप उसके हिसाब से बना लीजिए. और फिर हम रेडी होंगे इसको तलने के लिए. देन विल गोना फ्राई देम, not deep fry, a shallow fry them. तो यहाँ मैंने पोहा का ये इस्तेमाल किया है. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके जगह अगर आपके घर में ओट्स है तो आप ओट्स का पाउडर बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी और हेल्दी हो जाएगा. क्योंकि टेक्निकली हमको ऊपर की तरफ एक क्रिस्प चाहिए, जब हम चाट खाए तो वो एक क्रिस्पनेस रहना चाहिए. अभी हम इसको तलने वाले हैं तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है. फिर आप इसको मीडियम में रख कर फ्राई कीजिए. सो फ्राई देम इन मीडियम फ्लेम. वंस दे आर लाइटली ब्राउन फ्रॉम बॉटम देन जस्ट फ्लिप इट ओवर केयरफुली. यूज 2 spoons इफ़ यू वांट टू. तो इसको इस तरह से आप फ्लिप कर लीजिए. देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है, बट हम इसको थोड़ा और ब्राउन करेंगे इसलिए मैंने इसको गैस को और मीडियम में रखकर मैं इसको पका रही हूँ. देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है, ये हो चुका है दोनों तरफ से. अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे. तो एक टिश्यू यूज़ कीजिएगा बिकॉज इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो वहाँ से ड्रेन हो जाए. सो यूज सम टिश्यू और पेपर टॉवल एंड टेक देम आउट एंड सो दैट द एक्सेस ऑयल विल कम आउट ऑफ दिस. देखिए कितना सुंदर लग रहा है. आप इसको ऐसे ही
टी स्नैक के टाइम पे खा सकते हैं विद योर टी और चाय नाश्ता के साथ. वी ऑल्सो कॉल इट रगड़ा पैटीज, सो यू कैन हैव इट विद योर टी स्नैक. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रेजेंट दिस आलू टिक्की चाट फॉर व्हाट वी वर वेटिंग फॉर ऑल दिस व्हाइल. सो प्लेस वन टिक्की और टू टिक्की, बट आई वांट टू शो यू वन फर्स्ट. So add some yogurt. So this yogurt, all the sauces, I'll be sharing the link in the description box. And then add some green chutney. This is actually spicy, made of pudina and coriander leaves, mint and coriander leaves. Pudina ke patte ke saath banta hai. And this is a sweet chutney. It actually has sweet and tanginess both. Garnish with some onions. If you have some pomegranate, some anar, you can add on top of that, and then add some saif. So that will just give an extra crunch to our dish. So you can decorate it this way, but these three sauces are very much important because that brings the chaat flavor. So this is, I'm adding additional chaat masala on top of it, and here it's ready to be served. So enjoy this lovely tasty dish. Add more sauces. You can add more or less based on your taste. You can add more yogurt to it if you like it. If you like the sweetness and the tanginess, you can add that. So do give it a try, and I'm sure you're gonna love this. Thank you so much for watching the Tinkas. Stay tuned, subscribe, like it if you like this video. Please give this a try at home. This is very easy to make. I know this looks difficult, but this is not at all difficult. You can make it, and I'm sure your family gonna love it. So try this, like it, and subscribe to the Tinkas. Don't forget. Stay tuned. Bye. Please subscribe to my channel and hit on the bell icon.